दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत। आज हम लोग क्लास 5 की हिंदी बुक लेकर आए हैं एनसीईआरटी के, इसका लेसन नंबर 15 विशन की दिलेरी। इसमें हमने पढ़ा था, इसका पढ़ा के मैंने इसको शब्दार्थ सहित वीडियो बनाकर आपके लिए दिया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पूरा लेसन मिल जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। आज का प्रश्न उत्तर हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। कहानी से कुछ प्रश्न है पहले। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ही उत्तर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर क्या लिखा है। शिकारियों ने सोचा होगा कि कर्नल साहब हमें डांटेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। प्रश्न दो, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? उत्तर, बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसे शिकारियों द्वारा तीतरों को मारना बहुत बुरा लगता था। वैसे भी वह जानता था कि शिकारी इस तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तरफ तरफ कर अपने प्राण त्याग देगा। तीसरा प्रश्न, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? हाँ, हमने पढ़ा था कि कई सारी परेशानियां आई थी, जैसे कि उत्तर, उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्ते से जाना पड़ा। वह घुटनों के बल चल रहा था जिस कारण उसके हाथ पांव में कांटे भी चुभ गए थे। वह काफी देर तक दौड़ता रहा जिससे उसकी कमीज पसीने से गीली व फट भी गई थी। चौथा प्रश्न, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते और क्यों? उत्तर, घायल तीतर अगर हमें मिला होता तो हम उसे अच्छा होने पर छोड़ देते क्योंकि सभी पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। सभी पक्षी स्वतंत्र रहकर ही खुश रहते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। इसको फिर अपनी अपने शब्दों में लिखना है। सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। ये हैंडराइटिंग भी अच्छा सा सुंदर सा हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हुए हो। इतना तेज चल रहा था कि जैसे उसके पंख लगे हुए हो। दूसरा प्रश्न, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये याद रखिएगा, एक ही संज्ञा यानी कि जो नाम वाले शब्द है उसको बार बार तीतर तीतर बार बार लिखने से अच्छा उसे लिखा गया है ना? तो वह सर्वनाम हो गया। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छाट कर लिखो। जैसे कि मास्टर साहब ने अप्पा राव को डैश पास बुलाकर कहा, डैश कल डैश घर आना। इसमें तीन शब्द दिए हैं, मैं, अपना और तुम। इसको अभी आप ठीक रूप में लिखना है। जैसे कि मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने, इसमें अपना जो है उसका रूप चेंज होके अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना, है ना? इस तरह से आपको करेक्ट करके लिखना है। सेंट्रल डैश घर नागालैंड के किस शहर में है? तुम, इसमें तुम वर्ड का सटीक से प्रयोग करना है। जैसे कि सेंटिला, तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? सुधा ने डैश बुआ से पूछा, पापा डैश कितने बड़े हैं? सुधा ने अपने बुआ से पूछा, अपने आप को ही अपना बनाया गया है, पापा आप कितने बड़े हैं? मोहन
को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, वह उसे बन जाएगा। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। आपका ही अपना अपने बनाया गया है, वह का ही उन्हें हुआ है। इन वाक्य को पूरा करो, कुछ वाक्य दिए हैं उनको पूरा करना है। वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। हमने धीरे चलने को चींटी के साथ इसका तुलना किया है। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक चादर हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर जाकर आए हो। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजर से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। तो इन पंक्तियों को पूरा करने के बाद हम पहुंचे हैं फसलों के इर्द गिर्द। पहला प्रश्न, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। प्रश्न आप लोग बार बार पढ़िए, प्रश्न पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहां सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती है। आप सभी को पता है कि जो भारत है, भारत में हर जगह की भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग, कहीं अगर पहाड़ पर्वत से घिरा जगह है तो कहीं सागर नदियों के बीच में कोई जगह है, तो कहीं सूरज अगर पहले उगता है कहीं सूरज उसके बाद थोड़ी देर से उगता है। अब इस लेसन में हमने जो भौगोलिकता हमने देखी है वो जगह, जैसे कि बताया गया था कि एक पर्वत के बीच की एक घाटी है ना, तो ये वो कौन सी जगह हो सकती है। आप मैप को अच्छे से देखिए इंडिया का। यह कहानी भारत के उत्तरी भाग की होगी, वहां सीढ़ीनुमा खेती समतल भूमि के अभाव के कारण की जाती है। हिमाचल या कश्मीर ही ऐसे भाग है। वैसे भी इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं जिससे पानी फसलों को नष्ट ना कर सके। दूसरा प्रश्न, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूं तो कीटनाशक दवाएं फलों सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती है, पर पहला प्रश्न, ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है, इनसे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता है। पता करो और कक्षा में बातचीत करो। कीटनाशक दवा के छिड़काव से हम लोग फलों सब्जियों के कीड़ों को मार तो सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं फलों को हम खाते हैं तो हमें भी क्या नुकसान हो सकती है। आप इस बारे में अपने से बड़ों से बातचीत भी कर सकते हैं और उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, फलों सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती है। ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है, लेकिन इनमें जहर की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए उनके सेवन से नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी वह कीटनाशक हमारे पाचन तंत्र पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसके सेवन से पहले हमें अच्छे से इसे धोना चाहिए। प्रश्न ख, ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी होगा। सभी को पता है कि कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया ही जाता है, तो हमें अच्छे से धो के खाना चाहिए। फलों और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, इसलिए फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। सब्जियों को पका कर खाना चाहिए, कटी हुई सब्जियों या फलों को नहीं खाना चाहिए। खाने से पहले हम लोग क्या करते हैं आजकल, नमक पानी में भिगो के रख देते हैं और सब्जियों को पका कर खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं। जो अपने गार्डन में उगता है उसी को कच्चा खाते हैं। अब तुम्हारे आसपास, पहला प्रश्न, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है, नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है। जैसे कि तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, मीठा नीम का पत्ता, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते,
तेज पत्ता, केला, सागवान, इन पत्तों का जो है यूज होता है, हम लोग इसे किन किन कामों में इस्तेमाल करते हैं? पहला है तुलसी, पूजा पाठ करने तथा चाय में डालने में प्रयोग होती है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे अगर किसी को खांसी हो जाए तो तुलसी का पत्तों का थोड़ा सा रस निकाल के उसमें मधु मिक्स करके पिलाते हैं बच्चों को, उससे खांसी ठीक हो जाती है। अब नीम के पत्ते, फोड़े फुंसी पर लगाने तथा दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। मीठा नीम यानी कि कड़ी पत्ता, सब्जियां व दाल बनाने में प्रयोग होता है। आम, पूजा पाठ और हवन आदि में प्रयोग होता है। अमरूद के पत्ते, दवाइयों में प्रयोग होता है। जब हमारे यहाँ पे आसाम में पेट में हमें कोई गड़बड़ी होती है तो अमरूद के पत्तों को कूट के उसमें थोड़ा सा अजवाइन के साथ उसको कूट के फिर पिलाया जाता है। तेज पत्ता सब्जी में डालने तथा मसाला बनाने में प्रयोग होता है। केले के पत्ते पूजा पाठ तथा भोजन करने में प्रयोग होता है। सागवान, दोनों पत्तल बनाने तथा कपड़ों की रंगाई में प्रयोग होता है। पत्तल में हम लोग खाना जो खाते हैं सागवान के पत्तों से बनती है। प्रश्न दो, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़ कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फिर फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। तो इस बक्से में क्या क्या चीजें होती है? फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होती है? उत्तर, इस बॉक्स में कपड़ों की पट्टी या फिर बैंडेज, रुई, डेटॉल, कटने छिलने की दवाई, कैंची, चिमटी आदि चीजें होती है। दूसरा प्रश्न, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? उत्तर, इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती है। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों होता है? ढलावदार यानी कि ऐसे ढलान, तब क्या होगा कि जब बारिश या बर्फबारी होती होगी तो ये आराम से फिसल कर नीचे की ओर चले आएगी। उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फ आदि पड़ती रहती है जो समतल छत होने पर उसमें जमा हो जा सकती है, जिससे मकान गिरने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही ये ढलावदार छतें तेज बारिश के लिए भी उपयुक्त है। अब कुछ प्रश्न पहाड़ी इलाकों के बारे में। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। तीतर, हाँ, पहाड़ी इलाकों के कुछ वर्ड ढलान, चट्टान, टेढ़ा मेढ़ा, कंटीला, संकरा, पथरीला, ऊंचा नीचा, कठोर, शुष्क, खुला, बर्फीला, चट्टानी, असमतल, सीढ़ीनुमा, पगडंडी, झाड़ी, छप्पर, बर्फबारी, चोटियां आदि। अब तीतर पहेली, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो तीन तीतर। तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तो तीन तीतर हो गए। यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुकी हो, चौथी क्लास में भी हमने तीतर का वर्णन किया था, तो अभी पांचवी में फिर से आपको दिया गया है। उत्तर, तीतर एक छोटा सा पक्षी होता है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर ही लगता है। इसके छोटे छोटे पंख होते हैं। यह फुदक फुदक कर चलता है और हल्की उड़ान भी भरता है।
यह एक साथ झुंड में रहते हैं तथा लड़ने में तेज होते हैं। आप लोगों में से किस किस ने तीतर देखे हैं जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तीसरा प्रश्न, तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है इत्यादि। तीतर छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाता है। वह हरी हरी पत्तियां, मोटे मोटे कीड़े तथा फल मूल खाता है। यह देखने में भूरे रंग का होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये आपस में लड़ाई भी करते हैं। गांव में तीतर की लड़ाई कराई जाती है। कुछ लोग इसका मांस भी खाते हैं। अब मैं नेक्स्ट पढ़ूंगी, रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। तो इसके साथ ही आज हमारा विषय की दिलेरी का प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो ये लिखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।